देखो कभी कभी ना डेस्टिनी बोलो, गॉड बोलो, क्रिएशन बोलो, कॉस्मोस बोलो, इट अलाइंस यू टू दैट टू द पर्पस. तो मैं जा रही थी, वहां पे कॉन्फ्रेंस हो रहा था यूनाइटेड स्टेट्स में, वहां पे एक स्टडी चल रहा था, वो रोमांटिक ब्रेकअप स्टडी कर रहे थे. तो मैंने कहा ये यहाँ पे मैं पूछती हूँ प्रोफेसर को कि मेरा भी ब्रेन स्कैन करके दो. वहां पे वो टिपिकल बड़े बड़े फंक्शनल एमआरआई कर रहे थे, क्योंकि एमआरआई से आपको और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है फंक्शनल एमआरआई से, ऑब्वियसली दीज आर वेरी टॉप लेवल स्कैनर्स एटसेट्रा एंड ऑल. तो मैंने प्रोफेसर को रिक्वेस्ट किया कि मेरा चाइल्डहुड फ्रेंडशिप ब्रेकअप हुआ है, तो क्या आप मेरा स्कैन करेंगे? He says yes. तो जब मैंने वो स्कैन कराया, उसका रिजल्ट आया, उसने प्रोफेसर ने मुझे बुलाया और बोला ऑब्वियसली आई एम न्यूरोलॉजिस्ट सो मुझे ब्रेन तो समझ में आता था. तो कहा ये एरिया लाइटेड हब है. मैंने दो मिनट देखा उस एरिया को, मैंने कहा अरे ये तो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया है, अ पर्टिकुलर एरिया इन द ब्रेन. एंड ही सेज यस दिस इज लाइटेड अप इन पीपल विद हीरोइन एडिक्शन. Oh my God. मैंने तो कभी कोकेन हेरोइन कुछ देखा भी नहीं है, फर्क है खाना. So then I said, what is leading to that ventral tegmental area to be lighted? And that is when I understood कि वो attachment, that deep attachment, so called love, was the reason why this was happening. It was actually an addiction.